जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। किसका इंतजार कर रहे भाव? दान दीजिए ना। अरे रुको भाव, रुको। संता जी, वो अभी तक क्यों नहीं आई? संता जी, आपको पूरा विश्वास है ना कि वो आएगी? हाँ संता जी, कल शाम को मैं उसके घर के बाहर गया था उसकी एक झलक देखने के लिए, तो मैंने सुना कि वो आज सुबह यहाँ पे आने वाले अपने बाबा के साथ। उसका मील का आज पहला दिन है। बंता जी आ गई वहनी। मेरे भाइयों, अपना दिल छोटा मत कीजिए। क्या हुआ अगर आज आपके पास रोजगार नहीं है तो मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। मैं मदद करूंगा नौकरी ढूंढने के लिए, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक आपके परिवारों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी। मेरी तरफ से आप सबको 10-10 रुपए हर हफ्ते दिए जाएंगे। पंता जी की जय। पंता जी की जय। पंता जी की जय। पंता जी की जय। नहीं नहीं नहीं, मेरी जय जयकार मत कीजिए। अगर जय जयकार करनी है तो खंडोबा जी की कीजिए, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप सबकी मदद कर सकूं। पंता जी, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, इसीलिए तो मैं किसी काम का नहीं हूं। अरे नहीं नहीं भाई, किसी ने मुझे कहा है कि अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अगर आप खुद को कम समझोगे तो लोग आपको कम समझेंगे, इसलिए हर हाल में खुश रहना चाहिए। आप कितनी अच्छी बात करते हैं पंता जी, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके बीवी बच्चे खुश रहे। ए, क्या बात कर रहे हो, अभी तक तो इनकी शादी भी नहीं हुई, लड़की ढूंढ रहे हैं इनके लिए। आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इनके लिए एक सुंदर सुशील लड़की मिले। हा? हाँ जरूर। चलिए बाबा। हाँ चलो। तो बस उसे अपनी ओर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं उस पे अपना प्रभाव डाल भी पा रहा हूँ या नहीं। वो ऐसे बिना बोले कैसे जा सकती है? ये लीजिए,
साई के बारे में बहुत सुना था, इसलिए सोचा मिल लूं। साई कब तक आएंगे? आते ही होंगे अभी। क्या कर रहे हो बच्चों? पौधे लगा रहे साई। आप इनके पैर क्यों पकड़ रहे थे? ये मेरा नौकर है। नौकर? आप नौकर के पैर क्यों पकड़ रहे थे? दरअसल मैं कभी नौकर को नौकर नहीं मानता हूँ, अपने परिवार जैसा मानता हूँ। लेकिन आज मैं किसी बात से बहुत परेशान था, उसी के गुस्से में इनको डांटा तो इसे बुरा लगा, ये नौकरी छोड़ के जा रहा था, उसी के लिए मैं माफी मांग रहा था इससे। वैसे मैंने यही सीखा है कि अगर अपनी गलती हो ना तो माफी मांगो, छोटा बड़ा बिना देखे। वही कर रहा था। आपके विचार बहुत अच्छे हैं। और आप भी मान जाइए ना, कहाँ मिलते हैं ऐसे मालिक जो इतने दिल से माफी मांगे। बहुत सही बात कही है आपने, मालिक हमेशा मुझे बहुत इज्जत देते हैं। और देखिए ना, आज तो इन्होंने अपनी गलती की माफी भी मांगी। मालिक, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। दिल से माफ कर दिया ना? जी मालिक। वैसे आप यहाँ कैसे? सच बताऊ तो मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे मतलब ये भी मुझे पसंद करती है? आप लोगों की इतनी मदद करते हो, क्या आप मेरी भी एक मदद करेंगे? क्यों नहीं, आप अपना समझ के कहिए, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैंने सुना है कुलकर्णी सरकार बहुत अच्छे वैद्य हैं, और मेरी आई के पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो क्या आप मुझे उनसे एक बार मिलवा सकते हैं? आप तो उनके सलाहकार भी हैं ना? मिलवाने की क्या जरूरत है, आपके आई के लिए मैं दवा लेके आता हूँ। वैसे भी आपकी आई मेरी आई की समान हुई ना। लेकिन एक बार सरकार को आई की जाँच तो करनी होगी ना, तभी तो समझ आएगा कि समस्या क्या है। और आप उनको इतने अच्छे से जानते हैं तो वो अच्छे से देख भी लेंगे। कोई संकोच हो रहा है आपको शायद, आप अगर नहीं मिलवाना चाहते तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। कोई संकोच नहीं है, मैं सरकार से मिलवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी ये घर की बात है ना। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं चलती हूँ, धन्यवाद। सुनिए, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गई। मेरा नाम सुधा है। सुधा, अच्छा नाम है सुधा। हाँ, बहुत अच्छा नाम है सुधा। जी, चलती हूँ। सुधा 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 सुधा। पंता जी, आखिर आपने मुझे नौकर बना ही दिया। खैर छोड़िए, आपने उसे वादा तो कर दिया, पर सरकार से मिलवाओगे कैसे? और कहीं आपने सरकार से मिला भी दिया और सरकार ने उसके सामने आपको मारा या आपकी सच्चाई बता दी तो? सुधा को बोल तो दिया, लेकिन सरकार से कैसे मिला?
मुनीम जी, क्या बात, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ मत पूछो संता जी, सरकार महालक्ष्मी मंदिर जाना चाहते हैं नगर में पूरे परिवार के साथ, और साथ ही उन्होंने मुझे भी आने के लिए कह दिया, सारे बही खाते लेकर। कहते हैं सारे बही खातों की भी पूजा करानी है ताकि मुनाफे में वृद्धि हो। मुझे पहले इतने काम है, अब एक नई मुसीबत गले और पड़ गई। मतलब आप कह रहे सारा परिवार साथ जा रहा है? हाँ पंता जी, अब कल तक लौटेंगे, चलता हूँ। तंग आ गया हूँ इस दर्द से, सालों से ये दर्द चलता ही चला आ रहा, अब तो ये भी भूल गया कि बिना दर्द के जीवन कैसे होता था। इतने वैद्यों को दिखाया, मंदिर दरगाह हर जगह मन्नत मांगी, लेकिन दर्द वैसे का वैसा ही। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.